और अगर इसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं नहीं साहब वो बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए, तो दो चीजें बताना चाहिए। बताइए किस गर्भवती स्त्री का बपतिस्मा होता है, या जिस स्त्री को पीरियड हो रहे हैं उनका बपतिस्मा कब होता है, किसने करा? अगर लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो अशुद्धता को फैला रहे हैं पानी के अंदर, वो और चीजों पर ध्यान नहीं करेंगे। देखिए साहब यहाँ बच्चे भी हैं, उन बच्चों का भी बपतिस्मा हो रहा है, और मूसा का बपतिस्मा जो है उन्होंने लिया है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम इसका चौथा भाग जो है वो लेकर आए हैं बपतिस्मे का। पिछले संदेश में हमने कई बपतिस्मों के बारे में सुना था, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और मृत्यु के बपतिस्मे के बारे में हमने पिछले संदेशों में सीखा था। आज हम सीखेंगे क्या बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए। जी हाँ, कि सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के बपतिस्मा, क्या बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत से चर्च के लोग ये कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो इसके पीछे जो है वो उसका उदाहरण भी देते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा इसलिए होना चाहिए कि जो आदि पाप हैं, अब आदि पाप का मतलब जो आदम और हवा से जो पाप चला आ रहा है वो जो है वो आदि पाप जो होते हैं वो उनके धुल जाते हैं, वो समाप्त होते हैं। इसलिए बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उनके वो आदि पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। यदि ये सोच जो आज हमारी है और सेवकों की जो ये सोच है तो ये बिल्कुल गलत है। पुराने समय में अगर हम बात करें, अगर ये सोच लोगों की होती तो एक बार को हम मान लें, परंतु आज इस सोच के आधार पर यदि आप बच्चों का बपतिस्मा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अब पुराने समय में जब हम बात करेंगे, चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, भजन संहिता 51 और उसका 5 पद, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब यहां जो दाऊद कह रहा है उसकी मां ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, बल्कि वो कह रहा देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा, यानी आदि पुराने समय में वो क्षमा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह का लहू जो है वो बहाया नहीं गया था, यीशु मसीह जो है वो बलिदान नहीं हुआ था। इसलिए दाऊद अगर इस बात को कह रहा है तो उसकी बात मायने रखती है और वो सही भी है। परंतु यदि हम आज के दौर के लोग अगर इस समय कह रहे हैं, यानी नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह का बलिदान हो गया, उस बलिदान के बाद अगर हमारी ये सोच है कि बच्चे का बपतिस्मा इसलिए होना चाहिए कि साहब आदि पाप उसके धुले जाते हैं, तो ये गलत है। और कैसे, चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। जी हां, अब यहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा जो है वो पाप आया, यानी पाप के द्वारा मृत्यु आई और वो मृत्यु सब में फैल गई। दाऊद इस बात को बिल्कुल सही कहता है कि वो मृत्यु जो है वो मेरे अंदर जो है वो प्रवेश कर गई है उस पाप के द्वारा, उस एक मनुष्य के द्वारा, यानी आदम के द्वारा जो पाप हुआ, और आदम के द्वारा जो पाप हुआ, आदम के द्वारा उस पाप के कारण जो मृत्यु आई और सब मनुष्यों में वो मृत्यु फैल गई, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु बनाई नहीं थी, ये तो मनुष्य का चुनाव था। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ, पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। वो कह रहा है मैं पाप में पैदा हुआ, अधर्म में पैदा हुआ, मगर यहां परमेश्वर का वचन अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कहता है। इब्रानियों 9:22 में लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रया सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। यानी पुराने समय में
जब आप पाप बलि, होम बलि और ये बलि और वो बलि, बहुत से बलिदान जो थे, पशु पक्षियों के बलिदान हुआ करते थे और उनके लहू के द्वारा इंसान अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता था। परंतु ये क्रिया जो थी वो समाप्त नहीं होती थी, ये क्रिया चलती रहती थी। यानी आपने पाप करा तो आप फिर बलिदान चढ़ाइए, आपने फिर पाप करा फिर बलिदान चढ़ाइए, आपने जो पाप करा है उस पाप के अनुसार ये वाला पशु है, नहीं तो ये है, नहीं तो ये है, ये पक्षी है, ये पक्षी है, ये इसका बलिदान होना। मगर इब्रानियों 10 और उसके 4 पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू पाप को दूर करे। परमेश्वर ने देखा है, ये तो सही में बहुत अनहोनी बात है कि बैल और बकरों का लहू जो है वो कैसे पाप को दूर कर सकता है। कि पाप को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर पाप जीवन में हो जाता, फिर पाप हम पाप में घिर जाते हैं, फिर हमें बलिदान चढ़ाना पड़ता है, फिर जब पापी हो जाते हैं फिर बलिदान चढ़ाना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बार बलिदान होना चाहिए और वो बलिदान जो है सब मनुष्यों के लिए होना चाहिए, कि सब मनुष्य उस बलिदान के द्वारा जो है वो शुद्ध किए जाए। अब किसी पशु का या पक्षी का बलिदान नहीं होना चाहिए। अब एक अद्भुत और एक अलग बलिदान था, और वो क्या था, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहां गया आदि पाप तो खत्म हो गए। वो बलिदान जो पशुओं के द्वारा होते थे या पक्षियों के द्वारा बलिदान किए जाते थे हमारे पापों की शुद्धि के लिए, वो बलिदान समाप्त हो गए। यीशु मसीह में आकर यीशु मसीह का बलिदान हो गया है, तो हमारे वो सारे आदि पाप हो या कोई से भी पाप हो, सब धुल गए, सब समाप्त हो गए, आदि पाप की तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, अब जो पाप करते हैं बात उसकी है कि उसकी क्षमा कैसे की जाएगी। तो 32वां तो खत्म ही हो गया, यानी बच्चों का 32वें की बात करें, बच्चों का 32वां तो रहा ही नहीं। आदि पाप कहां से आ गए? आदि पाप तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा समाप्त हो गए, और फिर भी हम कहते नहीं साहब आदि पाप में, तो इसका मतलब यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ। हम वही भेड़ बकरियों के लहू की बात कर रहे हैं कि वो हमारे लिए आज भी बलिदान होते हैं। और क्या कहता है पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है, कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लिखा हुआ ना, मैं इसको पद को पूरा पद पढ़ दे रहा हूं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमारे लिए बलिदान किया गया, चाहे बुढ़े हो, बुढ़िया हो, बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो, सब यीशु के लहू से शुद्ध किए गए। आदि पाप हो, अनादि पाप हो, कोई से भी पाप हो, सब यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके वो सारे पाप समाप्त हो चुके हैं, वो खत्म कर दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। अब कोई आदि और कोई पाप नहीं है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक नियम ठहराया है और वो हमें फॉलो करना होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए पौलुस क्या कहता है, बहुत बड़ी बात कहता है, 1 कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। अब देखिए क्रूस की कथा, यानी क्रूस पर जो बलिदान हुआ, योना क्या कहता है, जब आप योना की इंजील 1 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे, देखो यह है परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। अब उसने संसार के सारे पापों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे उस क्रूस पर चढ़कर फेंक दिए, फिर यह आदि पाप कहां से आ गए बच्चों के अंदर? साहब नहीं, बच्चों का 32वां होना चाहिए, बिल्कुल गलत शिक्षा है। मगर कहते हैं ना, बहुत से सेवक हैं, अगर आप इस बात को खंडित करते हैं तो वो दूसरी बात लाकर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि भाई बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के जानकार हैं, बाइबल पढ़ते जरूर हैं, बाइबल के पदों के जानकार जरूर हैं, परंतु बाइबल की समझ जो है वो नहीं रखते कि क्या होनी चाहिए। अब बहुत से सेवक उठाकर ये वाला पद भी दे देंगे, चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, 1 कुरिन्थियों 10:1-2, यहां लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया।
ओ भाई, एक मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर उनको निकालकर समुन्द्र के रास्ते से ले जा रहा था, तो इसराइलियों की एक बड़ी मिली जुली बड़ी भीड़ थी, उसमें स्त्री भी थी, उसमें बच्चे भी थे, दूध पीते बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, गर्भवती स्त्रियां भी थी, और वो स्त्रियां भी थी जिनके पीरियड हो रहे थे, वो स्त्रियां भी थी जिनके बच्चे होने वाले थे, सभी स्त्रियां थी, सबका बपतिस्मा। तो साहब अब देखिए यहां पर बच्चे, अब वो और चीजों पर ध्यान नहीं करेंगे, देखिए साहब यहां बच्चे भी हैं, उन बच्चों का भी बपतिस्मा हो रहा है, और मूसा का बपतिस्मा जो है उन्होंने लिया है, तो बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए। वाह क्या बात है, मगर उसका जो सेंस है वो समझ से बिल्कुल पार हो जाता है। परमेश्वर के भेद और प्रकाशनों को हम समझने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर ने वहां पर उस बत्तीसवे का मतलब क्या है, बत्तीसवे का मतलब पहले समझ ले, दफन होना, लोप हो जाना, यानी इजरायली जो थे छोटे से लेके बड़े तक 400 साल तक मिस्र की गुलामी में थे, और जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो बहुत सी मिस्र की ऐसी बातें थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, बहुत सी ऐसी बुराइयां थी जो उनके अंदर घर कर गई थी। 400 साल का समय जो है वो कम नहीं होता है। आप अपने किसी बच्चे को, दूध पीते बच्चे को आप अमेरिका भेज दीजिए, आप मत जाइए, 20 साल के बाद जब वो लौट के आएगा आपको पहचाने का भी नहीं कि आप उसके बाप हैं या मां हैं, कौन है। उसके अंदर अमेरिका की खूबियां हो जाएंगी, वो इंडिया की बहुत सी चीजों को, जो भारत की बहुत सी चीजें हैं उसको अपनाने में उसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो तो विदेश में जाकर रह चुका है। अब सोचिए वहां की बुराई, वहां का खान पीन, वहां का रहन सहन, सब में वो लिप्त हो चुके थे, और इसलिए बपतिस्मे का मतलब होता है दफन होना। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा उस समुन्द्र के अंदर, उस पानी के बीच में, पानी के अंदर उनके पुराने मनुष्यत्व को दफन कर दिया, ताकि जब वो इस पार आए, मिस्र से वो निकलकर इस पार आए जो परमेश्वर का देश कहलाता है, जो परमेश्वर उनको देश देने जा रहा है, जो उनका देश कहलाया है, जिसको परमेश्वर ने पहले से अब्राहम के समय से उनके लिए रखा हुआ है, उसमें प्रवेश कराने ले जा रहा है, उसमें प्रवेश करने से पहले इनको धो देना चाहिए, इनको पुराना मनुष्य वहीं समुन्द्र के अंदर दफन कर देना चाहिए। जैसे मिस्री समुन्द्र के अंदर दफन हो गए, ऐसे उनका पुराना मनुष्य, उनके पुराने विचार, उनकी पुरानी आदतें, उनका पाप, जो कुछ भी वो मिस्र से लेकर आ रहे थे, वो सब परमेश्वर ने समुद्र के अंदर दफन कर दिया। वो नई सृष्टि जो है वो बन गए। और अगर इसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं नहीं साहब वो बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए, तो दो चीजें बताना चाहिए। बताइए किस गर्भवती स्त्री का बपतिस्मा होता है, या जिस स्त्री को पीरियड हो रहे हैं उनका बपतिस्मा कब होता है, किसने करा। अगर लोग अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो अशुद्धता को फैला रहे हैं पानी के अंदर। समझने की हम कोशिश करते नहीं है कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। और चलिए ये भी मान लेते हैं, दूसरी बात, जब हम मूसा की बात करते हैं कि मूसा का बपतिस्मा लिया, मूसा उनके साथ 40 साल तक रहा, और भी बच्चे हुए, और भी बच्चे बड़े हुए, तो उनका बपतिस्मा फिर मूसा ने फिर लोगों का बपतिस्मा क्यों नहीं करा। उसके बाद तो मूसा ने किसी का बपतिस्मा नहीं करा, 40 साल उनके साथ रहा, क्योंकि मूसा 120 वर्ष का होकर हमारा। परमेश्वर का वचन कहता ना नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। हम समझें कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहना चाहता है। ये पहला जो था ये कारण था, और दूसरा जो कारण था कि परमेश्वर जो है, जो इज़राइल है, वो जो यरूशलम है, इफिसियों में पौलुस भी कहता है कि ये हमारा मदर चर्च है, इसको चर्च का नाम भी दिया गया। बता दीजिए इजरायलियों को कभी भी जो चर्च का नाम मिला है उसे कलीसिया कहा गया है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसे कलीसिया कहा गया है। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 38 पद। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में उस सरदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की थी, और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। किसने, मूसा ने। वहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में,
जंगल में कलीसिया के बीच में, कलीसिया जंगल की कलीसिया कौन थे? इज़राइल। 40 वर्ष तक वो मदर चर्च है, वहां से सारे चर्चेस जो हैं वो निकल कर आए हैं कि यरूशलम तो हमारे क्या है, हमारी माता है। लोग उसको, यरूशलम को वो सही में वैसी माता नहीं मना लेते, मदर चर्च जहां से सारी कलीसियाएं निकल कर आए, जहां से वो गोत्र निकल कर आए, जो यहूदा का गोत्र है जहां से निकल कर आया, यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह से जो वंशावली फैली, जो मैं और आप हैं, ये वो लोग हैं। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, इसलिए मन फिराओ। मन बच्चा नहीं फिरा सकता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। पापों की क्षमा बच्चा नहीं मांग सकता है। माँ बाप कौन होते हैं? बच्चे ने तो पाप ही नहीं करा तो वो क्या मन फिराएगा? बच्चे का तो कोई पाप ही नहीं है तो वो अपने पापों की क्षमा क्या मांगेगा? या माँ बाप, चलिए बहुत से लोग कहते हैं कि वो उसके बदले में माँ बाप मांग, माँ बाप किस पाप की? वो अभी जन्मा है, अभी उसने ठीक से आंखें नहीं खोली, उसका कौन से पाप की क्षमा मांग रहे हैं माँ बाप? या तो माँ बाप ने गलती करी है कि ये बच्चा उनका नहीं है, किसी और का है, तब वो क्षमा मांग रहे हैं उस बच्चे के जरिए। इतनी गलत स्टडी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। एफिसियों 5 उसके 26-27 पद में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर का वचन, जल के स्नान से, जो बीच में था, समुद्र के बीच में था, उनको धोकर शुद्ध और पवित्र किया, उनको वहीं दफन करा। जैसे ही वो इस पार आए निकलकर, समुद्र जो है वो फिर से वैसे ही समान हो गया, यानी सब कुछ वहीं उस समुद्र के अंदर दफन हो गया। एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता था परमेश्वर, और इसलिए वो निकाल कर लाया। बच्चों के बपतिस्मे की कोई बात नहीं है, और जो लोग अपने बच्चे का बपतिस्मा कराते हैं वो गलत शिक्षा के आधार पर है, वो बाइबल की शिक्षा नहीं है, वो मनुष्यों की शिक्षा के आधार पर जो है वो काम कर रहे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का काम है और जश्न मनाते हैं। वो गलत कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि उनको नरक में ढकेलने का जश्न मना रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आपको मेरी बातें चोट पहुँचा रही हों, परंतु हम यही चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि आपकी, आपके बच्चों की आत्मिक उन्नति हो। और यह आत्मिक उन्नति तब होगी जब हम सही वचन को ग्रहण करके, सही शिक्षा को ग्रहण करके और उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, तब प्रभु का काम, प्रभु की सामर्थ हमारे काम में, उस वचन की सामर्थ और आशीष हमारे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में दिखाई देगी। इसलिए बच्चों का बैप्टिज्म ना कराएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।